आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा बहुत काम रह गया। अभी ईद के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई हैं। मुस्कान क्या कर रही हो? इधर देखो, तो यहाँ पे देखिए जी, ये देखिए ठंडा ही हाथ में आ गया। अभी इसको यहाँ लगा देते हैं। इस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं भाई, हमें अपनी सवारी का भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने भी बाजू चढ़ाने हैं, बड़ी अपनी चमकानी है सारी। सही नहीं धो रहे, एक कपड़ा सर को भी पकड़ाते हैं। हमने कपड़े में गीले हो जाए, जहाँ पे इन्होंने सर्फ लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वैगनार जो है वो अंदर आ चुकी है। क्या कहते हैं सर? माइक्रोफाइबर। गाड़ी पे तीन तीन लोग लगे हुए। अल्लाह, सर जी थक गया हूँ। ये बच्चे भी बाहर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? खैरियत से? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेर खुशियां अता फरमाए। और भाई सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को आपके भाई की जानिब से बहुत 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 जुमा मुबारक। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आज के दिन के सदके से हम सबको मदीना दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन का व्लॉग का आगाज करते हैं इस वीडियो के साथ। भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 1 बजे और अभी आपका भाई रेडी हो चुका है जुमे के लिए। व्लॉग का आगाज करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं जी मस्जिद। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, सब बच्चे चले गए, हमें जाना है जी और पहुँचना है मस्जिद। मिलते हैं फिर आराम से मस्जिद जाके। भाई मस्जिद पहुँच चुके हैं जी, चलते हैं अंदर। लामा साहब का बयान स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? चलो भाई पढ़ के फ्री हो चुके हैं। अभी चलते हैं घर। घर पहुंच चुके हैं और सब अभी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अलविदाई सलाम पढ़ा, अलविदा माहे रमज़ान, और बहुत कैफियात थी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा मोटा क्लिप छोटे भाई ने बनाया, वो मैं ऐड करूँगा इंशाल्लाह। अभी हम आ चुके हैं जी डायरेक्ट किचन में देखने के लिए कि आज दोपहर के खाने में क्या बनना है, क्योंकि अभी इफ्तारी में तो टाइम है। खाने में देख लेते हैं अभी कि क्या बनना है। इफ्तारी में तो अभी थोड़ी देर ठहर के बनना शुरू होगा, कोई तकरीबन 5-1 बजे। अभी तो इस वक्त तकरीबन 3:30 हो रहे हैं, तो अभी खाने में देख लेते हैं क्या बनना है। खाने में भाई आज चिकन कढ़ाई बन रही है और अभी तैयार नहीं हुई, तैयार हो रही है अभी। यहाँ कुकर में भी देख लेते हैं कि कुकर में क्या है जी। ये शामी कबाब का मसाला जो है वो तैयार हुआ है। अभी आ चुके हैं जी वापस अपने रूम में और रूम का जिसमें मैंने आपको बताया भाई थोड़ा बहुत काम रह गया था। वो क्या रह गया था भाई? कर्टन्स नहीं लगे थे, ये कर्टन पड़े हुए, वो तय हुए हुए पड़े हैं, ये आयरन हो चुका है और ये आप देख रहे होंगे ये लगा नहीं है। भाई आप सोच रहे होंगे भाई लग गया, लगा नहीं है ये। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ वैसे ही ना ऊपर डाला हुआ है। ये देखिए ये पाइप के ऊपर से वैसे ही डाल दिया था क्योंकि अभी रात को काम कम्प्लीट नहीं हुआ था और कुछ सामान थोड़ा बहुत वो देखें वो रह गया, बैग वगैरह रह गया ये रखने, और बेडशीट वैसे भी छाली थी क्योंकि रात को सोना था। मुस्कान का ये जो पॉप टेंट है ये वाला, ये इसको रखना है जी। मैं सोच रहा था यहाँ पे कर्टन के पीछे रख दूँ क्योंकि ईद पे आपको पता है मेहमानदारी होगी, तो ये है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो साइड पे रखनी चाहिए, ज़रा कमरा खुला खुला लगे, तो बाद में चाहे निकाल लेंगे जब उसने खेलना होगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कर्टन प्रॉपर लगा के ना और ये इसको पीछे रख देंगे। आप ईद के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई हैं, इनको हम अभी फिलहाल रखते हैं जी यहाँ साइड पर, बाद में इनको फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए, कल मेहमानदारी हो तो उसमें काम आएंगी। यहाँ पर देखें मुस्कान बेबी अपने काम में लगे हुए। मुस्कान क्या कर रही हो? छोड़ दो इसको। मुस्कान इधर देखो, इधर देखो, खड़ी हो, खड़ी बड़ी हो जल्दी से, जल्दी से हटो यहाँ पे। बाबा ने वो लगाना है, कर्टन लगाना है।
चलो खड़ी हो जो। मुस्कान ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत तंग किया हुआ। बारह अभी लगाते हैं जी एक कर्टन जो मेरे हाथ में इस वक्त, इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी हम इस कर्टन को लगाने लगे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लो जी, ये फिक्स हो चुका है भाई। अभी इसका ये जो नट बोर्ड है ये टाइट कर देते हैं। चलो ये देखें, हाँ हाँ हाँ, बस क्लास हो गया भाई, क्या बात है। इसको यहाँ से दिखाएं, यहाँ से इसको बैक पे कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मुस्कान की साइड टेबल रखी हुई है, उसमें मुस्कान पे सामान और हमने यहाँ से पीछे को करके ना साइड टेबल के पीछे करके सेट कर दिया इसको। भाई अब बारी है जी दूसरी विंडो की, इस पर हम लगा लेते हैं। ये तो मैंने भाई अच्छा वाला सेट किया था, वो फिर खुल गया। बहरहाल कोई बात नहीं, इसको दोबारा से लगा लेते हैं। ओए ठंडे ही हाथ में आ गया तो वहाँ तो। चलो पहले ऐसे फिक्स कर लेते हैं जी अच्छी तरह से। ये देखें जी, सारा खुल गया भाई, सारा खुल गया। चलो ये देखिए जी, ये हो गया। अब इसके सेंटर में लगेगा जी गोल्डन वाला कर्टन और फिर एक रेड आ जाएगा, यानी लेफ्ट राइट रेड है और सेंटर में जो है वो गोल्डन कलर है। ये तीनों कर्टन हमने लगा लिए हैं जी इस रॉड के अंदर। अभी इसको यहाँ लगा देते हैं जी। ये देखिए, चलो भाई यहाँ पे ये इसका क्लिप लगा के और इसको इसमें फंसा देते हैं। चलो ये भी हो गया जी हमारा काम। मुझे अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जरा, चेक करें, लेफ्ट राइट जो है वो रेड कलर के और सेंटर में गोल्डन कलर का कर्टन आ गया। फाइनली कर्टन वगैरह लगा दी और अभी मैं वजू करके आया हूँ। अभी मैंने पढ़नी है जैसर की नमाज, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। जल्दी जल्दी सर की नमाज पढ़ते हैं, फिर जो है अफ्तारी के लिए दस्तरखान पे भी बैठना है, खत्म शरीफ भी देना है। और बेडशीट जो है वो सिर्फ रह गई है, वो इंशाल्लाह बेडशीट जो है हम कल ईद वाले दिन चेंज करेंगे, नई बेडशीट बिछा लेंगे ताकि जो है ना वो जरा नई नई लुक आए। कर्टन्स तो चेंज हो गए हैं, बस बेडशीट रह गई है। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना कोशिश करूंगा कि आपको कमरे की अच्छी सी लुक दिखाऊँ इंशाल्लाह। नमाज पढ़ के अभी हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे भाई फ्राइज बन चुके हैं, पकौड़े बन रहे हैं, कुछ पकौड़े जो हैं वो बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं अभी जी। और यहाँ पे मेरा ख्याल है पालक वाले पकौड़े भी बनने हैं, उसके लिए रखा हुआ है। और रूह अफ़ज़ा जो है वो भी बन चुका है शायद। और ये क्या है, स्प्राइट है या पानी वाला जो भी है। और कढ़ाई भी जो है फाइनली तैयार हो चुकी है जी, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नमाज भी पढ़ ली और किचन में आपको एक चक्कर भी लगवा दिया और आपने देखिए भाई कहाँ तक पहुँच चुका है खाने छाने का सिस्टम। अभी मिलते हैं जी आपसे, छोटे से ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह दस्तरखान पे। हम मिल रहे हैं जी आपसे अफ्तारी के बाद। रात को इस वक्त घड़ी में तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। गाड़ी वॉश करें, जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं भाई, हमें अपनी सवारी का भी ख्याल रखना चाहिए। और मुस्कान भी जिद करके बाहर आ गई कि मैंने भी देखना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान भाई हैं, और अभी जो है मैंने भी बाजू चढ़ाने हैं और जो है ना गाड़ी अपनी चमकानी है सारी। ये देखें जी, अभी इस पर पानी शानी मार दिया गाड़ी पर और अभी यहाँ पर विरदान भाई जो है वो सरफ बना रहे हैं अच्छी तरह, और सरफ बनाने के बाद हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। और दूसरी गाड़ी वॉश है वो भी करनी, इसके बाद उसकी बारी है। अच्छा सही सही। तो भाई आज कल घर की रूम की सफाई हो रही थी, आज अपनी गाड़ी की सफाई हो रही है। तो अभी जल्दी जल्दी जो है मुस्कान को पकड़ाते हैं अंदर और हम गाड़ी को चमकाते हैं। यहाँ पे गाड़ी धुलवाने के लिए सर नासिर भी आए हुए हैं, जो अपनी सुपरविजन में जो है ना वो नुमान भाई को बता रहे हैं कि भाई इस तरह करना है उस तरह करना है। सर अगर ये गलत धोएंगे तो आपने उनको बता देना। सही नहीं धो रहे यार, देखो सर ने देख लिया, वो कह रहे हैं सही नहीं धो रहा है बंदा गाड़ी। ये मुझे लग रहा है सर को भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, एक कपड़ा सर को कहाँ पे वो यार, इधर सर्फ नहीं लगाया यार आपने, तो सर ने सही नोटिस किया, एक कपड़ा सर को भी पकड़ाते हैं। हमने कहा चांद का सर्विस स्टेशन बिजी होंगे आज, हम खुद भाई वाकई इसमें कोई शक नहीं है। जैसे चांद निकलता है और ये क्या कहते हैं सलोन्स पे और इन पे इतना रश लग जाता है, जैसे लोगों को पता ही नहीं था कि उनको लगता है अचानक ईद हुई थी। अब तो ईद कंफर्म थी क्योंकि हफ्ते को ईद होनी है, क्यों सर जी, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो नाक पे दीवा जला के निकलते हैं, ऐसा ही है। तो फिर हमने सोचा अभी सर्विस स्टेशन पे रश ज्यादा होगा तो हम घर में खुद ही वॉश कर रहे हैं। अभी ये वाली गाड़ी वॉश कर रहे हैं, इसके बाद फिर दूसरी करनी है। तो कुर्सी सर को ला के दो, कुर्सी पर अच्छा खुद ही खड़े हैं। रियान साहब को जी जिम्मेदारी मिली है इंजन वाली साइड की, इंजन पे सारा जो है ना वो उसका साफ करेंगे। और आपकी क्या जिम्मेदारी है आपकी, आपने बाद में इसको खुश कपड़ा माना। सही सही सही, ठीक हो गया भाई। अभी हम भी थोड़ा सा हिस्सा डाल लेते हैं इसमें। तो भाई हम जो अपना हिस्सा डालेंगे वो डालेंगे भाई पानी मार के अभी। अच्छा कपड़े में गीले हो गए, कह रहे मेरे ऊपर ना मारना, इस साइड पर, इस साइड पर मार लेते हैं ना, जहाँ जहाँ पे इन्होंने सर्फ लगा दिया भाई वहाँ पे हम पानी मार देंगे ताकि इस पर दाग ना पड़ जाए। चलो भाई, और रियान साहब कहाँ तक पहुँचे, इंजन हो गया,
चलो भाई फर्स्ट क्लास हो गया। एक बहुत अजीम शख्सियत और आई है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार अलियान के बाल बड़े प्यारे लगे, मैंने काफी दिनों बाद देखे, मैंने बड़े बड़े बाल अच्छे लग रहे हैं ना। बड़ी पापा करने नहीं देगी। वो 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 क्या बात है। अभी तो मैंने पापा मना लिए, थोड़ा सा मना लिए जी, लेकिन ईद गुजार रहे ना, ईद के बाद कटवा रहे हैं। सही। तो भाई ये वाली गाड़ी तो वॉश हो चुकी है, इसको निकालते हैं जी बाहर, इसको बाहर खड़ा करते हैं जी। और फिर इसके ऊपर जो खुश कपड़ा मारने की ड्यूटी है वो मेरी और विरदान साहब की है। और वैगन आर लगाएंगे जी अंदर, फिर बारी है जी उसकी सर्विस की। वैगन आर जो है वो अंदर आ चुकी है भाई यहाँ पे। अब ये गाड़ी वॉश होगी, दूसरी जो है वो हमने बाहर निकाल दी है और उस पर अब कपड़ा मारेंगे जी। और लाओ कोई ड्राई कपड़ा दो। ड्राई कपड़ा कहाँ है रियान? रियान कपड़ा, ड्राई कपड़ा, ड्राई कपड़ा किधर है जो उसमें मारने? अच्छा जाओ रसादान ला के दो, टेबल पे पड़ा था मेरे, वो ला के दो, वो फिर उस पर मारे ताकि पानी के निशान ना पड़ जाए। उतनी देर में ये भी वॉश हो जाएगी, फिर इसके ऊपर भी पानी मारना है। दोनों गाड़ियां एवं चमका देनी इंशाल्लाह। ये है जी इसका स्पेशल कपड़ा, माइक्रो क्या कहते हैं, सॉरी मेरी जुबान अड़ गई थी, माइक्रो फाइबर का जो है ना स्पेशल कपड़ा है, इसे स्क्रैच भी नहीं पड़ते। तो अभी आ चुका है यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह, एक गाड़ी पे तीन तीन लोग लगे हुए हैं, एक अलियान साहब, सादान साहब और वो विरदान साहब, और यहाँ पे आपका भाई। चलो भाई इतने निकम्मे हैं कि क्या बताएं। क्यों सर मुझे ड्यूटी है, बच्चों को लगाया हुआ ड्यूटी पे, ड्यूटी दे रहे हैं क्या कहें सर भाई, मुझे वीडियो भी यार मेरे सब्सक्राइबर्स को भी तो साथ रखना है, उनको भी तो बताना ना कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं भाई यहाँ। क्या वो गाड़ी सही तरह साफ करो। यहाँ पे ये व्हाइट वाली गाड़ी भी जो है ये भी वॉश हो चुकी है, इस पर भी ड्राई कपड़ा मार रहे हैं विरदान भाई, और इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाहर वाली जो गाड़ी है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, अब इस पर जी पॉलिश हो रही है। यहाँ पे देखें जी ये पॉलिश लगी हुई है, पॉलिश एक दफ़ा हो जाए तो गाड़ी जो है फर्स्ट क्लास चमक जाएगी। और सर यहाँ पे देख रहे हैं बैठ के, सर जी ओके हो गई ये वाली गाड़ी वैसे हैं? अभी नहीं हुई पॉलिश के बाद ओके होगी? नहीं पॉलिश के बाद भी नहीं होगी क्या? अभी तो आपके शीशे रहते हैं जनाब, शीशे मैंने मार दिए। आपने तो साफ ही नहीं किए सर, शीशे मैंने अब आपके कहने पे अंदर से भी साफ कर भाई दिए। धुंधले हैं शीशे, चेक करो आप। अच्छा कैसे धुंधले हैं भाई? सर अब चमक गए हैं बिल्कुल, नहीं है। आपने जब कहा था उसके बाद मैंने मारे, आप फिट हो गए बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह सर जी थक गया हूँ, मार दिया मैंने पॉलिश वाला कपड़ा भी फर्स्ट क्लास सर जी जज़ाकअल्लाह। अल्लाह अकबर भाई यहाँ पे देखें जी इस टाइम रात को ये बच्चे भी बाहर आए हुए हैं, ये मुस्कान बेबी और हुसैन बेबी, और ये गाड़ी पे बैठे हुए, साफ सुथरी हो गई गाड़ी, और अभी गाड़ी पे बैठ के ना पॉलिश लगा दी इस पर? नहीं नहीं। अच्छा मैंने कहा पॉलिश लगा दी तभी स्लाइड दिलवा रहे हैं। चलो भाई दोनों गाड़ियाँ वॉश हो चुकी हैं, पापा बैठे हुए सर नासिर के साथ, गपशप हो रही है, वो भी वॉश हो चुकी हैं। यहाँ पे बाइक्स हुए हैं वो निकाल के, सारा फर्श वगैरह धुल रहा है, और ये अब अदियान साहब आए हैं और ये एंड वाली मेहनत ये कर रहे हैं। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल पे जो नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए भागी दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, मिलते हैं जी कल आपसे ईद पे। टाइम पर भी बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, ओए बाय बाय कर रहा है, अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह।